अपना साथ में करने अरे क्या कर रहे हैं करीना जी बाय करीना मैम एक दो प्लीज इरफान सर इरफान सर आपके साथ में चाहिए तेरा फ्लैश आ रहा है सर सर सो वन वाइट सेंटर थैंक यू चलो पूछो डोल 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 पूछो सेंटर भाई साहब मैं इस बार फिल्म देख रहा हूँ और इतनी पता है कि फेस्टिवल जो है बेहतर से बेहतर होता जा रहा है मैंने शेड्यूल देखा है बहुत मन का बहुत देखने का लेकिन मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मैं अभी कैचअप नहीं कर पा रहा हूँ बट मुझे खुशी है कि फेस्टिवल जो है एवरी ईयर गोइंग पूरी फिल्मों का लिस्ट होंगे बचपन से मुगले आजम शोले सत्य इतरे की बाकी फिल्म में सत्य इतरे रहते घटक हिंदुस्तान में इन डायरेक्टर्स की फिल्म है आपने मुगले आजम का नाम लिया आए थे जब प्रीमियर हो रहा था और आप अंदर देखने गए थे देखिए मुगले आजम तो स्टेज पे देखो या उसको सिनेमा में देखो उसका जो पूरा ड्रामा है जिस तरह से उसको बनाया गया है जिस तरह से लिखा गया है जिस समझ के साथ उसमें इतनी लेयर्स है एक ड्यूटी की और मोहब्बत की और क्लास की और सब स्ट्रगल जो है और जिस तरह की लाइनें लिखी गई हैं वो अपने आप में एक्सपीरियंस है सुनने के लिए और उसका कोरियोग्राफी वगैरह जो है बहुत अच्छे से किया है बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले दो वीक पहले ही कई टेरिटरीज खुली और अभी तक जो बिजनेस है वो पहले की फिल्मों से ज्यादा बहुत अच्छा है प्रोड्यूसर्स के रोल में मेल आते रहते हैं एंड वी आर सेलिब्रेटेड 28th को ये अमेरिका में और बाकी दूसरी टेरिटरीज में रिलीज होगी एंड वहाँ पिक्चर का वाइब जो है बहुत बढ़िया है बहुत लोगों को मतलब इंतजार है तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इतनी सारी मीडिया से फास्ट आ रहा है टॉम हैंक्स के साथ इस पूरी जर्नी को या बाकी जिस तरह से आपका इंटरनेशनल करियर उन लोगों के साथ हो रहा है जो वाकई बेहतरीन अपने आप में दिग्गज हैं तो क्या कहना चाहेंगे मैं सौभाग्यशाली हूँ इस तरह का मौका मिलता रहे और मैं अपनी पूरी चीजें लगा काम करता हूँ जियो मामी फिल्म फेस्टिवल का नाम जब आप एक स्टूडेंट के तौर पर सिनेमा देखना चाहते थे या वर्ल्ड सिनेमा देख रहे थे तो क्या मानते हैं कि भारत में जो फिल्म कल्चर है वो जियो मामी किस तरह से आगे निकले अरे हम मेरा इंट्रोडक्शन हुआ फिल्म फेस्टिवल से ड्रामा स्कूल के दौरान एंड फिल्म फेस्टिवल जो है वो एक बहुत ही एक्साइटिंग टाइम हुआ करता था हम दिन भर सिनेमा देखते थे बड़ी मुश्किल से कार्ड बनता था हमारा और लिस्ट बनाया करते थे कौन कौन सी फिल्में और वहीं से आई थिंक जो बेसिक एजुकेशन हमारी सिनेमा की हुई है या सिनेमा का एक्सपोजर हुआ है वो फेस्टिवल से हुआ है और फेस्टिवल जो है एक अपने आप में ऑडियंस के लिए फिल्म मेकर्स के लिए अपकमिंग फिल्म मेकर्स के लिए बहुत बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू गेट इंट्रोड्यूस टू ऑल काइंड ऑफ दोनों फिल्में बहुत मेहनत से बनी हैं दोनों की फिल्मों का मतलब बड़े बैनर की फिल्में हैं और हमारे यहाँ की ऑडियंस जो है बहुत बड़ी ऑडियंस है और कई बार ऐसा हुआ है कि दो फिल्में एक साथ रिलीज हुई हैं दोनों फिल्में कामयाब हुई हैं तो मेरे को दोनों की शुभकामनाएं हैं कौन सी फिल्म देख पाऊंगा ये मुझे पता है आने वाले वक्त में आपके हाथ से क्या थैंक यू थैंक यू ऑल द बेस्ट उसका हमेशा वैसे ही है क्या बोला ठाकुर क्या हाँ हाँ जरा फ्लैश थोड़ा ठाकुर तो पीछे ठाकुर सर स्टार्ट फ्रॉम राइट पीछे आना पीछे आना सर राइट में राइट सो वन मोर राइट हाँ हाँ
Thank you. I think we need one picture of Kareena. Yeah, I think that's it. He's upstairs. And someone called us. Special guest. So we thought we'd have a picture with all of you. Yeah, all of us. Are you staying in the hostel? Yeah. Shall I go on the other side? So. No, yeah. Staying in the hostel. Right, please, all of you. Kiran ji, all of you right? Kiran ji. Right, please. Thank you. Lovely, now we can join. Awesome. Off the hook. Yeah, they will be. Chalo, you have to see what they have to say.